जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित दिवाकर और मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महामाया नगर सलेमपुर हाथरस से। और आज मैं अपने कॉलेज नहीं बल्कि आज मैं अपने बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र B2I के कॉलेज को एक्सप्लोर करने वाला हूँ जिसका नाम है राजकीय पॉलिटेक्निक नगर या मोडेटा। तो अभी मैं B2I साहब के रूम में हूँ और B2I रेडी हो चुके हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर एक फोटो शूट लेगा, आप इंजॉय करिएगा। तो चलिए चलते हैं राज की पॉलिटेक्निक सिकंदर रोड नगरिया मोडेटा वाले कॉलेज में। तो B2I अपने रूम को लॉक कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं कॉलेज के लिए। गाइस, जहां हमारे B2I रहते हैं उस गांव का नाम है गुलाबपुर। अगर आप भी यहां पर पढ़ने आते हैं तो आपको भी यहां पर रूम आसानी से मिल जाएगा, आप भी यहां रूम ले सकते हैं। वैसे हॉस्टल भी इस कॉलेज का चालू है, लेकिन अगर हॉस्टल नहीं मिल पाता है तो आप इस गाँव में रह सकते हैं। और ये गाँव जो है, ये है बिल्डिंग फौजी साहब बाबा की जहाँ B2I रहते हैं। और ये गाँव काफ़ी बड़ा गाँव है, तो आपको जो रूम है आसानी से मिल जाएगा। और सामने आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे है, तो यहाँ आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी। आप सीधे यहाँ से टेम्पो वगैरह बस से आराम से आ सकते हैं। और यहाँ से जो कॉलेज की दूरी है वो 500 या 600 मीटर दूरी पड़ती है। और गाइस, ये गुलाबपुर गांव बिल्कुल मेन रोड जो नेशनल हाईवे उसके पास में ही है। यहाँ पर टेम्पो बस सारी चीज़ें आपको यहाँ से आसानी से मिल जाती हैं जो आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं, एटा जा सकते हैं, सिकंदराबाद जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आने जाने की किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। और गाइस, ये है नेताजी सुभाष चंद्र जी की बिल्डिंग, इन्हें प्यार से लोग यहाँ नेताजी बुलाते हैं। पहले यहाँ पर स्कूल था, अब स्कूल बंद हो गया है और इन्होंने पॉलिटेक्निक स्टूडेंटों के लिए हॉस्टल की सुविधा प्रदान की है। यानी कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं वो यहाँ पर रूम ले सकते हैं। और इन्होंने अपने बैनर जो है स्कूल के पास में भी लगा दिए हैं। सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर लिखी हुई हैं। आप जब भी कॉलेज आएँ, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप रूम को पता लगा सकते हैं, वहाँ अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर भी रूम ले सकते हैं। और गाइस, ये बिल्कुल आपको मेन रोड के पास में मिल जाता है। और यहाँ से जो कॉलेज है वो 500 मीटर दूरी पड़ता है, आप यहाँ से इजिली यहाँ पर आके संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर रूम देख सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। और गाइस, यहाँ पर आपको एक फ्लाईओवर मिल जाता है, फ्लाईओवर के राइट साइड एक रास्ता है और उसके लेफ्ट साइड भी रास्ता है। और आपको फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के नहीं जाना है, क्योंकि जो हमारा कॉलेज है उसके नीचे एक फ्लाईओवर के नीचे एक मोड़ है जिसे हम कहते हैं नगरिया मोड़, वहीं पर हमारा कॉलेज है। आप फ्लाईओवर के लेफ्ट साइड होकर जा सकते हैं और राइट साइड होकर भी जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कॉलेज पर। और गाइस, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है, सड़क के किनारे आपको पटरा मिल जाते हैं जहाँ B2I और ऋषि भाई जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा रहता है। आपका जो जीवन है बहुत सुरक्षित हाथों में यहाँ पर है और यहाँ पर एक्सीडेंट के चांस भी बहुत कम रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ आपको आगे बोर्ड मिल जाता है निधौली कला और राजकीय पॉलिटेक्निक का, यानी कि ये दर्शा रहा है कि आपको यहाँ पर एक मोड़ है, वहाँ मुड़ना है निधौली कला के लिए और राजकीय पॉलिटेक्निक अगर जाना है तो हमें तो राजकीय पॉलिटेक्निक जाना है। चलिए चलते हैं। और गाइस, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है नगरिया मोड़, यानी जो आगे एक मोड़ है उसका नाम है नगरिया मोड़। ये नगरिया मोड़ के नाम से जाना जाता है जहाँ पर हमारा कॉलेज है। और गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा सड़क खराब हो गई है तो यहाँ पर अभी काम भी चल रहा है। और गाइस, कॉलेज का जो नाम है, जब आप कॉलेज में आएंगे तो आपको मिलेगा राजकीय पॉलिटेक्निक नगरिया मोड़ जनपद एटा, लेकिन जब काउंसलिंग के टाइम पर कॉलेज भर रहे होंगे तो वहां पर लिख के आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिकंदर राव एटा, या फिर ये लिख के आ सकता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नगरिया मोड़ सिकंदर राव रोड एटा। तो आपको इन सभी नामों से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपका ये जो कॉलेज है वो ना तो एटा में है और ना ही सिकंदर राव पे है, ये एटा और सिकंदर राव के बीच में पड़ता है। अगर आप एटा आते हैं तो आपको एटा में एक टेम्पो पकड़ना पड़ेगा, वहां से आप बोल देंगे कि मुझे नगरिया मोड़ जाना है। अगर आप एटा आते तो एटा से आपको नगरिया मोड़ के लिए आना पड़ेगा। ये जो आप मोड़ देख पा रहे हैं ये नगरिया मोड़ के नाम से जाना जाता है, इसे नगरिया मोड़ कहते हैं। और अगर आप सिकंदराबाद से आते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई टेम्पो पकड़ना पड़ेगा और आप बोल देंगे मुझे नगरिया मोड़ जाना है, तो वो आपको यहाँ पर ढील देगा। और यहाँ से जो एटा की दूरी है वो 15 किलोमीटर पड़ती है और यहाँ से जो सिकंदराबाद की दूरी है वो 17 किलोमीटर पड़ती है। ये कॉलेज जो है नगरिया मोड़ पर स्थित है। आप अगर एटा से आते हैं या सिकंदरा से आते हैं तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमें नगरिया मोड़ जाना है। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं, यहाँ खाने पीने का आपको पूरा स्टॉक मिल जाता है, आप कुछ भी खाना चाहते हैं।
और अगर यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे टेम्पो से आते हैं, तो ये यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपको वाहन की यहाँ पूरी सुविधा मिल जाती है क्योंकि मेन रोड पर कॉलेज है। तो यहाँ पर जो बच्चे सिकंदर राव एटा जो पास में रहते हैं वो टेम्पो से आते हैं यहाँ तक, ये नगरिया मोड है, यहाँ आपको टेम्पो उतार देता है आराम से, तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार दिक्कत नहीं आने वाली है। खाने पीने का सामान मिल जाता है पूरा, और पास में रेस्टोरेंट है राजा रॉयल, वहाँ पर मिठाइयाँ वगैरह मिल जाती है, वहाँ पर आप खा सकते हैं। फिलहाल हम लोग कॉलेज के अंदर एंट्री कर रहे हैं। गाइस हम लोग प्रवेश करने वाले हैं राजकीय पॉलिटेक्निक एटा, तो आपका स्वागत है राजकीय पॉलिटेक्निक नगरिया मोड़ एटा वाले कॉलेज में। और गाइस जैसे ही आप प्रवेश करते हैं यहाँ पर आपको एक वॉचमैन अंकल जी मिल जाते हैं जो कि आपका वेलकम करते हैं। और गाइस ये है कॉलेज की बिल्डिंग जो कि बहुत ही अच्छी यहाँ पर बनी हुई है, और यहाँ पर जो फूल पौधे के पेड़ हैं वो बहुत सारे लगे हुए हैं। और गाइस ये जो बिल्डिंग है वो बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ से दिख रही है, और यह जो बिल्डिंग है वो आपकी थोड़ी सी पुरानी लग रही होगी क्योंकि अभी यहाँ पेंट वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन जब आप आएंगे यहाँ पे तो हो सकता है इसका जो बिल्डिंग का कलर है वो एकदम चमकने लगे, क्योंकि इसका जो टेंडर है वो पास हो चुका है, इसका जो बजट है वो पास हो चुका है, और यहाँ पर इस कॉलेज में काम भी चल रहा है, इसका हॉस्टल भी चालू है तो उधर साइड काम भी चल रहा है, तो यहाँ पे अभी मरम्मत चल रही है। तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2022 को, जब आप एडमिशन 2023 में आएंगे तो हो सकता है इसका पेंटिंग डेंटिंग सब क्लियर हो जाए, और यहाँ पर बहुत अच्छा कॉलेज बना हुआ है, और यहाँ पर आपको फूल पौधे के जो पेड़ हैं वो बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है जो कि बढ़िया है, हर विद्यालय में हर कॉलेज में ये पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा ही होनी चाहिए। और गाइस चलिए मैं आपको इसका एक बिल्डिंग का पूरा एक शॉट लेता हूँ, म्यूजिक के साथ एंजॉय करिएगा। हम आपको ले चलते हैं कॉलेज के अंदर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीटू भाई हमारे किसी मशीन पर अंगूठा लगा रहे हैं, तो इसे बायोमेट्रिक कहते हैं, और इस कॉलेज में बायोमेट्रिक के रूप में भी प्रेजेंट ही लगती है, और यह प्रेजेंट सीधा बीटू यूपी बोर्ड पहुंचती है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट लगवाना आवश्यक है। और जब आप लेक्चर लेने के लिए क्लास में जाएंगे तो वहां पर भी प्रेजेंट ही लगती है, तो ऐसा सिस्टम जो है वो सही माना जाता है, और ऐसा बहुत ही कम कॉलेजों में देखने को मिलता है। और गाइस बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे नोटिस चिपके हुए हैं, तो जो भी कॉलेज सूचना रहती है वो इस बोर्ड में लगा दी जाती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसकी लिस्ट चिपकी हुई है। और गाइस जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर जो भी नोटिस होता है वहाँ चिपका दिया जाता है, जैसे टाइम टेबल का हो गया या भी कॉलेज में जो भी नोटिस आता है वहाँ पर लगा दिया जाता है। और यहाँ पर राजकीय पॉइंट नगरिया मोड़ एटा में जो ब्रांच है उसकी जितनी भी सीट है यहाँ सारा जो डाटा है वो लिखा हुआ है, और सामने आप देख पा रहे हैं वो प्रिंसिपल रूम, और उसके बगल में स्टेनो रूम, और इसके पास में ये ऑफिस जो भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइल होती है या डॉक्यूमेंट होता है वो यहाँ पर ही सबमिट होता है। यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, बाहर का रास्ता इधर से जा सकते हैं,
और ये है बैडमिंटन कोर्ट जो बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर आपकी लैब बनी हुई है, यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक्स की और मैकेनिक्स की लैब मिल जाती है। और इस कॉलेज जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल और उन ब्रांच के लिए सारी लैब यहाँ पर उपलब्ध है। टीपीओ ऑफिस है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस, यहाँ पर आपकी जो भी ट्रेनिंग प्लेसमेंट के लिए जो भी आवश्यकता होती है वो यहाँ पर आप आके उसमें बातचीत कर सकते हैं। फिजिक्स लैब मिल जाती है और सामने आपको क्लास मिल जाता है। क्लास की राइट साइड एक गेट है जहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं ग्राउंड के लिए, यानी आप कॉलेज के बाहर जा सकते हैं। तो ये मैं उसी गेट से बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। है क्लासरूम, तो कुछ इस प्रकार का क्लासरूम होता है, काफी बड़ा क्लास और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर सीट भी लगी हुई है। और चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और गाइस इधर भी आपको बहुत सारी लैब मिल जाती है, जैसे ऑटोमोबाइल लैब, केमिस्ट्री लैब। तो यहाँ पर जो लैब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, काफी यहाँ पर सारी जो लैब है वो कुल मिला के उपलब्ध है। बनी हुई है, तो चलिए आप लोग चलते हैं ऊपर, क्योंकि हमारे जो वीटू भाई है वो है फाइनल ईयर में, यानी सुपर सीनियर है, उनकी जो क्लास है वो ऊपर है। और जब हम लोग ऊपर जाते तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीटू भाई की क्लासरूम में। और गाइस क्लास से खास बात यह है, यहाँ के जंगले से आप देख सकते हैं बाहर का बिल्कुल खूबसूरत सा नजारा, क्या यहाँ बाहर चल रहा है। तो ये आपको यहाँ एक स्पेशल बात मिल जाएगा। तो ये मैकेनिकल के फाइनल ईयर क्लास, जिंगलों की सहायता से आप बाहर का सीन देख सकते हैं। वो जो आप देख पा रहे हैं वो हमारी वर्कशॉप है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा।
और इधर साइड आप देख पा रहे हैं वो कोटीज बनी हुई है, वो है राजा रॉयल की कोटी। तो चलिए गाइस मैं आपको इसका पूरा एक शॉट लेता हूँ, आप म्यूजिक के साथ में आप एंजॉय करिएगा। और गाइस ये भी रही है क्लास है, यहाँ पर मैं सीधे क्लास में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता वो डिस्टर्ब हो। और गाइस ये है लाइब्रेरी, यहाँ पर आप पुस्तक ले सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं बैठ के यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कोई भी काम है पुस्तक वगैरह का ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन का एक फेमस कोट लिखा हुआ है, कठिनाइयों के बीच ही हमेशा अवसर छुपे होते हैं, इसीलिए कभी भी हमें कठिनाइयों से नहीं घबराना है। यहाँ पर भी क्लास है तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर आ गए हैं और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आ गए हैं वो बोर्ड पे पढ़ रहे हैं और भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया है क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए अपने ज्ञान को हमेशा बांटते रहिएगा, दूसरों तक पहुँचाते रहिएगा, क्योंकि जब अपने ज्ञान से दूसरों के जीवन में इफेक्ट डालते हैं, दूसरों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं तभी आपको एक ज्ञान का सही मतलब निकल पाता है। और यहाँ पर गाइस कंप्यूटर लैब भी बनी हुई है जो आप देख सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर यहाँ पर है तो कंप्यूटर लैब भी यहाँ पर इस कॉलेज में है। यहाँ है सामने क्लास, ली मैं आपका इस तरफ का एक शॉट डालता हूँ, म्यूजिक के साथ एंजॉय करिएगा। मैंने इस कॉलेज को तो एक्सप्लोर कर दिया है, चलिए अब चलते हैं कॉलेज का हॉस्टल और जो आपकी वर्कशॉप है उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस ये जो आप देख पा रहे हैं ये है प्रधानाचार्य जी का आवास, जहाँ पर प्रधानाचार्य जी यहाँ पर रहते हैं। जब भी आपका कॉलेज का हॉस्टल चालू होता है तो यहाँ पर जो भी टीचर है वो भी यहाँ पर रहते हैं और सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है, इसीलिए ये जो आवास है वो है प्रधानाचार्य जी का। और चलिए अब आगे देखते हैं जो टीचर के लिए आवास बना हुआ है वो भी यहाँ पर है। और गाइस ये है आवास टाइप सेकंड, तो ये भी टीचर्स के लिए है। और गाइस ये है आवास टाइप फर्स्ट, यहाँ पर जो भी टीचर हैं उनके लिए, सभी टीचर्स के लिए, सभी लेक्चरर के लिए अलग अलग व्यवस्था उपलब्ध है। और गाइस यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो नल है वो सब जगह अलग अलग लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं वर्कशॉप के लिए, तो हमारे B2Y बताते हैं कि यहाँ पे जो वर्कशॉप है मैकेनिकल में पढ़ते हैं हमारे B2Y, और जो कि आपको बताया था इनकी फाइनल ईयर है, तो ये बताते हैं कि जो यहाँ पर जो मैकेनिकल की शॉप वगैरह हैं जो 7 शॉप कुछ समथिंग होती हैं, तो ये सारी शॉपें यहाँ पर उपलब्ध हैं, जैसे कि
फिटिंग शॉप, मशीन शॉप, सील्ड मेटल शॉप, वेल्डिंग शॉप और भी यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन जो होती हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो भी एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में चाहिए होती हैं वो सारी यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो कुल मिला के ये कॉलेज बढ़िया है और यहाँ पे आपको सारी लैब मिल जाती हैं और जो आपकी वर्कशॉप में जो शॉप होती हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो ये है वर्कशॉप का मेन गेट, यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं और बढ़िया है कॉलेज। यहाँ पर अगर आप आते हैं, अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। कुल मिला के सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और गाइस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल की शॉप है, इलेक्ट्रिकल और सिविल की आप सोच रहे होंगे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो सारे के लिए सब सुविधाएं हैं, सारे के लिए सब शॉप है। बस ये है कि हमारे वीटू भाई हैं वो मैकेनिकल से हैं तो उनको मैकेनिकल बारे में ही पता है ज़्यादा, तो उन्हीं के द्वारा हम आपको ये जानकारी शेयर कर रहे हैं, इसीलिए मैं मैकेनिकल की ही ज़्यादा बात कर रहा हूँ। वैसे सारी ब्रांच के लिए जो भी ब्रांच यहाँ पे है सब चीज़ें उपलब्ध हैं। तो गाइस अब आपको ले चलते हैं स्टूडेंट का जो हॉस्टल है उसको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर अभी थोड़ी मरम्मत चल रही है तो चलिए देखते हैं। तो गाइस ये है छात्रावास जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं। तो यहाँ का जो हॉस्टल है वो चालू है और अभी यहाँ पे काम चल रहा है, मरम्मत चल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जो कॉलेज का जो टेंडर है जो मरम्मत का और जो पेंट वगैरह है, कलर वगैरह है, उसका पास हो चुका है, इसीलिए इस कॉलेज में मरम्मत चल रही है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर हॉस्टल बना हुआ है और इसमें मटेरियल रखा हुआ है जो कि इसमें काम चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए भैया जो है वो अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और कुल मिला के जो हॉस्टल का रूम देख सकते हैं आप, यहाँ पर तीन अलमारी मिल जाती हैं, यहाँ पर मतलब तीन स्टूडेंट के लिए व्यवस्था कर दी है। और यहाँ पर देखिए तख्त वगैरह भी पड़े हुए थे तो, और यहाँ पर मैस वगैरह भी, छात्रावास मैस भी है। तो वैसी सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। तो अभी यहाँ पर चल रहा है काम और यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, जो भी नोटिस होता है तो यहाँ पर लगा दिया जाता है। और गाइस यहाँ पे नल जो है वो बहुत लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर एक नल लगा हुआ है और जो मेन सप्लाई जो पानी की टंकी है वो यहाँ पर लगी हुई है, बड़ी टंकी। और इसके बाद ये जो आप जो देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट है, जहाँ जो हमारा आप ये गेट है सीधे ग्राउंड के लिए, जो आप देख रहे हैं वो ग्राउंड है और ये जो कच है वो कीड़ा कच है, यहाँ पर जो भी खेल कूद के सामान होते हैं वो यहाँ रखे जाते हैं। वैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे घास जो है बहुत बड़ी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे बरसात का टाइम था, पानी बरसा था और इसीलिए घास बड़ी हो गई है और बच्चे भी नहीं आए थे क्योंकि पेपर के टाइम पर घर चले गए थे, तो इसीलिए यहाँ पे घास बड़ी बड़ी हो गई है। इसके बाद अभी साफ़ सफाई हो जाएगी और फिर से बढ़िया जो मैदान है वो बन जाएगा। और गाइस यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार रैगिंग के लिए जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई भी बच्चा किसी के ऊपर रैगिंग या कोई भी अत्याचार नहीं करेगा। तो वैसे ठीक है कॉलेज यहाँ का और बढ़िया है, सारी चीज़ें हॉस्टल भी उपलब्ध हैं और जो भी लैब हैं वो भी बढ़िया है, वर्कशॉप भी बढ़िया है, टीचर भी बढ़िया है और कॉलेज भी काफ़ी ठीक है, बढ़िया है। और गाइस ये जो आप गेट देख पा रहे हैं ये पहले का मेन गेट था, अभी ये फ़िलहाल बंद है। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं आवास जी है, जो वॉचमैन अंकल जी हैं वो यहाँ पर रहते हैं और जो भी चपरासी वगैरह हुए वो यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है और देखिए नल यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो कुल मिला के यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं लेकिन जहाँ ये बैठे हैं वो कॉलेज वालों ने ये सीट जो है वो उपलब्ध नहीं कराई है, ये सिविल वालों का प्रोजेक्ट है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया था तो यहाँ पर ये लोग यहाँ पर यूज करते हैं बैठने के लिए और ये उनका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो गाइस हम लोगों ने पूरा कॉलेज को एक्सप्लोर कर दिया है और गाइस यहाँ पे देखिएगा पोस्टर लगा हुआ है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेताजी सुभाष यादव जी ने स्कूल जो चलाते थे पहले, उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया है और स्टूडेंटों के लिए हॉस्टल की सुविधा प्रदान कर दी है। तो वही इसमें ये पर्चा पोस्टर चिपकाया हुआ है जिसमें जो भी आपके फ़ायदे के लिए जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं और यहाँ पर नंबर भी दिया गया है जो कि आप संपर्क करके यहाँ पर उनसे बातचीत कर सकते हैं, अगर अवेलेबल हो तो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। कॉलेज का फोटो रिव्यू हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं रूम पर, तो इस ब्लॉग का करते हैं एंड।
make you make you make me click.